अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विट खबर यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज की वीडियो में कुवैत से सबसे पहले जो खबर दोस्तों मैं आपको सुनाने वाला हूँ। भाइयों, कुवैत में जैसा कि आप लोग जानते होंगे बहुत ही भीषण गर्मी वहाँ पर पड़ रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी दिक्कतें हो रही है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी था। साथियों, वहाँ पर पानी की भी काफ़ी ज़्यादा किल्लत होने लगी है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से। लगभग वहाँ पर 52 डिग्री सेल्सियस दोस्तों गर्मी वहाँ पर सभी जगह पर देखने को मिल रहा है। तो साथियों, कुवैत में पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत हो गई है कि पानी को मंगवाने के लिए वहाँ लोगों का पैसा पेमेंट करना पड़ रहा है, यानी एक टैंकर को मंगवाया जा रहा है और टैंकर को मंगवाने के लिए साथियों लगभग वहाँ पे 40 कुवैती दिनार तक का पेमेंट करना पड़ रहा है। अब साथियों, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से भी कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ये हो जाता है। तो कुवैत में पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग एरियाओं पर, उन सभी जगहों पर दोस्तों दिक्कत को देखते हुए वहाँ पर लगभग 40 कुवैती दिनार एक टैंकर का लग रहा है। तो वीडियो के समय दोस्तों जैसा कि फोटोज वगैरह आप देख सकते हो, इसी टैंकर में वहाँ पे पानी वगैरह को मंगाया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो भाई लोग, यदि कुवैत में आप रहते हो, आपको भी इसी तरह का प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके वहाँ एक टैंकर के कितना पैसा देना पड़ रहा है। अगली जो खबर आ रही है, एक्सपर्ट डिपोर्टेड आफ्टर कॉटिंग स्मार्टफोन स्मगलिंग एट कुवैत एयरपोर्ट। साथियों, कुवैत में जो है अलग अलग चीज़ों को लेकर वहाँ पे लोग वहाँ पे पकड़े जाते हैं। साथियों, नई चीज़ देखने को मिली है कुवैत एयरपोर्ट पे, वहाँ पे एक प्रवासी को डिपोर्ट कर दिया गया है। पहले तो उसे अरेस्ट किया गया, फिर उसे अरेस्ट करने के बाद उसे डिपोर्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो कुवैती प्रवासी क्या कर रहा था, वो स्मार्टफोन यानी मोबाइल फ़ोन जो होता है उसको स्मगलिंग करता था। अब साथ ही स्मगलिंग का मतलब दोस्तों ये हो गया कि वो लोग वो चोरी का माल कहीं से खरीदता होगा, कहीं से लाता होगा और उसके बाद वो दोस्तों स्मगलिंग का काम करता था, जिसकी वजह से कुवैत में एयरपोर्ट पे ही उसे गिरफ्तार किया गया। वो एयरपोर्ट पे ही दोस्तों पुलिस के द्वारा उसे पकड़ा गया और पकड़ने के साथ साथ दोस्तों कुवैत से हमेशा इसे डिपोर्ट भी कर दिया गया है। तो भाइयों, आप लोग कुवैत में जो भी रहते हो, जहाँ भी रहते हो भाई, ये सब काम बिल्कुल भी ना करें। पकड़े जाने पर आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा, फिर आपको जेल भी जानी पड़ सकती है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही, बहुत ही बड़ी खबर है और दोस्तों ये खबर आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि कुवैत में पानी की और इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया। तो कुवैत में दोस्तों बता दूं आपको, कुछ एरिया को मतलब क्लेरिफाई किया गया है कि वहाँ पे 1 से 2 घंटा का लाइट वहाँ पे काटी जाएगी, ताकि कुवैत में इलेक्ट्रिसिटी जो है मेंटेन किया जा सके। साथियों, गर्मी पड़ने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पे जो कंजम्पशन है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसी को मेंटेन करने के लिए 1 से 2 घंटे का बिजली जो है वो काटी जाएंगी। साथ ही बता दूं आपको, वैसे लिस्ट तो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, पर मैं बताने लगूं पूरा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। साथ ही मैं आपको लिस्ट आपके सामने शो कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, फिर भी मैं 2-4 बताने की कोशिश करता हूं। जैसे कि साथ ही किबला में 3 और 4, खल्दिया में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मनक में 1, 2, 3, 4, 5। दोस्तों, मैं नंबर जो बता रहा हूँ वो एरिया है। साथ ही वैसे तो बहुत एरिया है, जैसे कि रका, रुमहिया, सलवा, सलमिया, सुवेक, अब्दुल्ला, अलमुबारक, जबरिया, यरमुख, फरवनिया, खैतान, सबासा, नसीब, दसमन, दैया, रवादा, सूरा, नुजहा, यरूम, अब्दुल्ला, सलीम, कुर्तुबा, रहान। तो देखिए दोस्तों, मैं नाम सभी का बता रहा हूँ, वीडियो दोस्तों पे तो शो भी करता जा रहा हूँ। इन सभी जगहों पे 1 से 2 घंटे की लाइट काटी जाएगी, ताकि पूरे कुवैत में लाइट का मेंटेनेंस किया जा सके, क्योंकि दोस्तों कुवैत गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों मेंटेन नहीं कर पा रही है। तो ये कुछ खबरें थी, अपडेट्स थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।